नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के साथ मन की बात की है। मन की बात का 62वां शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हुनर हाट, अंतरिक्ष और कॉप कॉन्वेंशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश फिट है वही हिट रहेगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुरादाबाद के दिव्यांग सलमान की तारीफ की। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि सलमान दिव्यांगता से ग्रस्त है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। बताते चले कि दिव्यांग सलमान ने समिति समाधानों के साथ टारगेट कंपनी खोली और करीब 35 दिव्यांगों को रोजगार दिया, जिसमें वॉशिंग पाउडर और चप्पलें बनाई जाती हैं, जिन्हें कंपनी में कार्य करने वाले दिव्यांग ही गांव-गांव जाकर सप्लाई करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने के बाद रविवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। आज अयोध्या में करीब 4 घंटे के प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेले का उद्घाटन करने के साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन भी किया। सीएम योगी अयोध्या दौरे पर हैं। उन्होंने अयोध्या में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। दरअसल सीएम योगी 4 घंटे रामनगरी में रहेंगे। इस दौरान वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम दास छावनी में मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी सुग्रीव किला में आयोजित साकेतवासी स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य के बैकुंठ महोत्सव कार्यक्रम में शरीक होंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधनों में कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, चाहे वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना हो या फिर 3 तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करना हो, देश के अंदर नागरिकता कानून में संशोधन करके दुनिया के पीड़ितों को शरण देने की पारदर्शिता व्यवस्था बनाना हो, अयोध्या के राम मंदिर का फैसला भी मोदी सरकार ने ही दिया। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या वासियों की तरफ से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के हिरासत में रखे जाने के मुद्दे पर टिप्पणी की। सिंह ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सिंह ने उम्मीद जताई कि रिहा होने के बाद तीनों पूर्व सीएम कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने और विकास करने में योगदान देंगे। CAA NRC के खिलाफ शाहीनबाग के बाद जाफराबाद और चांदबाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जाफराबाद में कल रात से महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जाफराबाद और चांदबाग में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके हैं। आज शाहीनबाग में प्रदर्शन का 71वां दिन है। आज भी वार्ताकार शाहीनबाग जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। वार्ताकार के साथ लगातार 4 दौर की बैठक फेल रही। हालांकि 70 दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने नोएडा फरीदाबाद जाने वाला एक रास्ता खोल दिया है। इस रास्ते पर सिर्फ छोटी गाड़ियां ही जा सकती हैं, पर कालिंदी कुंड से जामिया जाने वाला मुख्य रास्ता अभी भी बंद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक के बाद अब सदस्य अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आज भारत बंद बुलाया और उन्होंने भारतवासियों से आह्वान किया कि वो भीम आर्मी का सपोर्ट कर भारत बंद में सहयोग करें। भीम आर्मी के भारत बंद का असर उन्नाव में देखने को मिला। उन्नाव के भीमराव अंबेडकर पार्क सदर इलाके में लोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने और CAA NRC NPR के खिलाफ नारेबाजी कर कहे। दरअसल प्रोन्नति में आरक्षण खत्म किए जाने और CAA के विरोध में भीम आर्मी आज भारत बंद का ऐलान किया। बताते चले कि जिले के अंदर भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं पुलिस ने भीम आर्मी को चेतावनी दी है कि जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में भीम आर्मी ने आज भारत बंद बुलाया है। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण खत्म किए जाने और CAA के विरोध में भीम आर्मी ने आज भारत बंद का ऐलान किया। बताते चले कि जिले के अंदर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं पुलिस ने भीम आर्मी को चेतावनी दी है कि जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश का सोनभद्र इन दिनों सोने की खदान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शनिवार को खदान में 3000 टन नहीं बल्कि केवल 160 किलो सोने होने का दावा किया है। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा फिरोजाबाद के एसआरके डिग्री कॉलेज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने पहुंचे हैं। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने का निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास ने विरोध किया है। महंत धर्मदास ने चंपत राय एंड कंपनी को लुटेरा बताते हुए कहा कि इनके रहते मंदिर निर्माण अच्छे से नहीं हो सकता। महंत धर्मदास ने इस मामले को लेकर पीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में नृत्य गोपाल दास को मुखौटे के रूप में रखा गया है, सारी पावर चंपत राय और उनके चेलों के हाथ में हुआ। मुरादाबाद में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर तीखा वार किया। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि सीएए वापस होकर रहेगा। दरअसल व्हीलचेयर पर बैठक सीएए के खिलाफ चल रहे धरने को संबोधित करने ईदगाह मैदान पहुंचे। यूपी व उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी जनता सड़कों पर उतरी है तब तब सरकार को झुकना पड़ा है। गोरखपुर में डॉक्टर काफिल खान के मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की गई है। राजघाट इलाके के अहलदापुर में ये वारदात हुई है। मृतक नुसरतुल्लाह अपने वकील के यहाँ कैरम खेलने के बाद 10:45 पर घर लौट रहे थे। घर के पास पहले से खड़े युवक ने कंधे पर हाथ रखकर मकबरे के गेट के अंदर ले गए। उसी दौरान बदमाश ने तमंचा निकाला तो उसी मंशा भाप कर नसरुद्दुल्लाह भागे, लेकिन दौड़ाकर बदमाशों ने सिर में गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आगरा में ट्रंप के दौरे को लेकर तैयारी पूरी। सोमवार को पत्नी मेलेनिया संग करेंगे ताजमहल का दीदार। डायना सीट पर बैठकर फोटो भी खिंचवाएंगे ट्रंप। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर उठाया सवाल। पूछा, ट्रंप के दौरे के देश को क्या फायदा होगा। ट्रंप के भारत दौरे को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर ट्रंप के दौरे पर होने वाले खर्च पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ने भी प्रियंका के इस ट्वीट पर पलटवार किया है। लखीमपुर खेरी सभासद और क्लर्क के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस घटना से नाराज पुलिसिया कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे न तो शहर की सफाई हो सकी है, न ही नगर पालिका के ताले खुले। सफाई न होने के कारण सड़कों पर गंदगी का ढेर लगा है। सभासद सौरभ सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। कानपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर हो रहे निर्माण को रोकने पहुंचे बीजेपी महापौर प्रमिला पांडे के बेटे अनुराग पर बिल्डर और उसके बेटे समेत कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अनुराग बाल बाल बच गए। पुलिस ने बिल्डर और उसके बेटे समेत 4 लोगों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें इनामी बदमाश मनोज घायल हो गया। वहीं उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद की है। रामपुर के थाना स्वार में एक महिला ने अपने पति के फरार होने की शिकायत दर्ज कराई है। पति के साथ वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका पति फरार हो गया और वो उसकी तलाश में रामपुर तक आ पहुंची। पुलिस जब रामपुर में साजिद के घर पहुंची तो वो वहां से भी गायब था। अब महिला इंसाफ की मांग कर रही है, क्योंकि उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आजमगढ़ पुलिस एक कारनामा सामने आया है। यहाँ की पुलिस ने एक घायल युवक पर ही केस दर्ज कर दिया, जिससे नाराज होकर लोगों ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही केस दर्ज कर दिया। बरेली के मरीगंज इलाके के
नौगावा गांव में एक तालाब में तैरता हुआ महिला का शव मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि महिला के शव को शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे को लेकर काफी उत्सुक हैं। अहमदाबाद और आगरा में जोर शोर से ट्रंप के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुश्नेर भी भारत आएंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का सुपरहिट फिल्म बाहुबली के अवतार में एक वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फोटोशॉप का इस्तेमाल कर ट्रंप के चेहरे का इस्तेमाल बाहुबली के चेहरे की जगह किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि ट्रंप ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया। उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, भारत में अपने दोस्तों से मिलने के लिए काफी उत्सुक हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं। आगरा के शाहगंज इलाके के थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी को ध्वस्त किया गया। यह चौकी 19 साल पहले बनाई गई थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को ताज का दीदार करने आगरा आ रहे हैं, जिसके चलते इस चौकी को हटा दिया गया है। बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के मद्देनजर खेरिया मोड़ चौराहे को साफ किया गया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 और यार्ड स्टेशन के बीच काठगोदाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे डीरेल हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय इंजन को ट्रेन से जोड़ने के लिए लाया जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद संपर्क क्रांति ट्रेन में दूसरा इंजन जोड़कर रवाना किया गया। कासगंज में शहर के बिलरा गेट स्थित एक किराना व्यापारी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने लगभग 7 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल पड़ोसियों ने व्यापारी के गोदाम से धुआं उठता देख तो इसकी जानकारी व्यापारी को दी, जिसकी जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी और पुलिस टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। झांसी में जिला पूर्ति विभाग ने डेली गांव में छापा मारा है। छापेमारी में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां नए सिलेंडरों में से गैस निकालकर गाड़ियों में से भर दी जाती थी और इसके बाद नई सील लगा दी जाती है। मौके से कई सील भी बरामद हुई है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। ताज नगरी आगरा में हर साल लगने वाले ताज महोत्सव की श्रृंखला में इस बार महोत्सव ने अपने 29वें वर्ष में कदम रखा है। ताज महोत्सव के 5वें दिन मुक्ताकाशीय मंच पर रियलिटी शो स्टार नाइट ने दर्शकों का मन मोह लिया। ताज महोत्सव की रात बॉलीवुड सिंगर हेमंत ब्रिजवासी के नाम रही। हेमंत ब्रिजवासी के मधुर आवाज में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बदायूं के वजीरगंज इलाके सैदपुर में मौसेरे भाई ने मोहम्मद शान की हत्या कर उसके शव को जंगल में नाले के पास फेंक दिया। दरअसल मोहम्मद शान की अमीरी को देखकर मौसेरा भाई उससे नफरत करता था। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मोहम्मद शान को उसका मौसेरा भाई ने हत्या की है। पुलिस को उस पर शक है। हुआ तो पहले आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब सबूतों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उत्तराखंड में चिकन के कारोबारियों के लिए अब रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि सभी जिलों में चिकन काटने पर प्रशासन ने बैन लगा दिया है और दूसरे राज्यों में चिकन लेकर बेचने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कारोबारी खासे नाराज नजर आ रहे हैं और उन्हें अपने रोजी रोटी का संकट सामने आता हुआ दिख रहा है। दरअसल देहरादून सहित उत्तराखंड में चिकन बेचने वालों के लिए जिलाधिकारियों ने एक अभियान चलाया है, जिसमें चिकन बेचने वालों के चालान किए जा रहे हैं और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो चिकन स्टॉलर हाउस में काट कर लाएं तभी बेच सकते हैं। रुड़की में शादी समारोह के दौरान गांव के रहने वाले युवक ने दुल्हन को गिफ्ट देने के बहाने थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मामले में आरोपी दुल्हन का प्रेमी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। IIT रुड़की की PhD छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी यूपी के बागपत का रहने वाला है। दरअसल बीते दिन PhD की छात्रा ने अपने सहपाठी पर छेड़छाड़ और 2 साल से परेशान करने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर जांच और IIT के छात्रों से पूछताछ कर रही है।
रुड़की में शादी समारोह के दौरान गांव में रहने वाले युवक ने दुल्हन को गिफ्ट देने के बहाने थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। उत्तराखंड में पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण पर लंबे समय से चल रही कसरत अब कमेटी पर आकर टिक गई है। दरअसल जल संस्थान और पेयजल निगम के एकीकरण पर कुछ मामलों को लेकर कर्मचारियों में आपस में विरोध है। इसके साथ ही कैबिनेट के सदस्य भी एकीकरण की कुछ शर्तों को लेकर एकमत नहीं थे। उधर पेयजल निगम के घाटे में होने के चलते यहां तनख्वाह और पेंशन के लाले पड़े हुए हैं। बताते चले कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई जाएगी, जो एकीकरण को लेकर विवादित शर्तों पर निर्णय लेगी। उधम सिंह नगर के सीतारंग इलाके में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर में ही कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत ने जब खुद को गोली मारी उस समय वो अपने कमरे में अकेला था। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, तो वहीं पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तरकाशी में 24 और 25 फरवरी को माउंटेनियरिंग समिट कार्यक्रम का आयोजन नेहरू पर्वतारोहण में किया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तरकाशी में देश विदेश के पर्वतारोही एक मंच पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार साझा करेंगे। बताते चले कि उद्घाटन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुरादाबाद में कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकता है पीतल उद्योग। 3,000 करोड़ के उत्पादकों का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ब्रास कारोबारियों में चिंता की लहर है। चीन में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस से पीतल उद्योग का कारोबार ठप हो गया है। भारतीय हस्तशिल्प उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़ा मुकाबला चाइना के उत्पादकों से होता है। कोरोना वायरस के चलते चीन के कारोबार ठप पड़ गया है। ऐसे में भारतीय कारोबारियों को कारोबार में मुनाफा होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते पीतल उद्योग को भी बड़ा झटका लगने की आशंका है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। सालाना 8,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लाने वाले पीतल उद्योग में तैयार ज्यादातर उत्पादकों में चाइना में आयातित पर्यटस लगाए जाते थे। ये पर्यटस कोरोना वायरस के चलते अब आयात नहीं किए जा रहे हैं। पीतल के लैंप, सजावटी सामान, ट्रॉफियां, क्रिसमस उत्पादकों में चाइना के ग्लास, क्रिस्टल और अन्य सामान इस्तेमाल किए जाते हैं। सालाना 3,000 करोड़ रुपए के उत्पादकों में आयातित पार्ट्स के इस्तेमाल के बाद उन्हें विदेशों में भेजा जाता था। अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां भी ऑर्डर देते समय चाइना की चुनी हुई कंपनियों के पार्ट्स उत्पादन में लगाने की शर्त रखती हैं, जिसके बाद ऑर्डर फाइनल किए जाते हैं। कारोबार बंद होने के बाद अब कारोबारी नुकसान की आशंका जता रहे हैं। रघुवेंद्र बरेली के सीबीगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया। साइबर ठग ने इंस्पेक्टर के फेसबुक अकाउंट के जरिए इंस्पेक्टर के बेटे के ऑपरेशन के नाम से फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसे की मांग की, जिसके बाद मामले की जानकारी इंस्पेक्टर को मिली तो उन्होंने साइबर सेल को घटना की जानकारी देकर फेसबुक आईडी को ब्लॉक कर दिया। साइबर ठग ने इंस्पेक्टर बन उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा कि मेरे बेटे का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, और उसने मैसेंजर के जरिए एक अकाउंट नंबर भेजा और जल्द इस अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर करने को कहा। इसके बाद मैसेज रिसीव करने वाले ध्रुव चतुर्वेदी ने इंस्पेक्टर से फोन पर बात की और पूरा घटनाक्रम बताया तो इंस्पेक्टर हैरान रह गया। साइबर सेल मामले की जाँच कर रहा है। शादी के कार्यक्रम में एक डांसर को गोली मार दी गई। मामला सीतापुर का है, जहां पैसे के लेन देन का मामला इतना बढ़ गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक महिला डांसर के हाथ और पैर में गोली लग गई। महिला को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर महिला को लखनऊ रेफर कर दिया गया। अगर आप इंडियन बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल इंडियन बैंक के एटीएम मशीन में अब 2,000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे, जबकि शाखा में 2,000 के नोटों का लेन देन चालू रहेगा। इस संबंध में बैंक ने अपने सभी ब्रांच को जानकारी दे दी है। एक बार फिर क्रिकेट के खेल पर मैच फिक्सिंग का दाग लगने का खतरा मंडरा रहा है और एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने के ठीक पहले उमर अकमल को पीबीसी ने सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह एक बुकीज की मुलाकात बताई जा रही है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशान शर्मा ने वेलिंगटन टेस्ट में दूसरे दिन बेहतरीन गेंदबाजी की। ईशान शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, हालांकि इस दौरान वो बेहद ही थके हुए दिखे, जिसकी वजह से ये खुलासा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में किया। ईशान शर्मा ने बताया कि वो न्यूजीलैंड में सो नहीं पा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से उन्हें 4 घंटे की नींद आई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में हैट्रिक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने वाले एक्सटर एगर ने रॉकस्टार रविंद्र जडेजा को अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताते हुए कहा कि इस भारतीय हरफन मौला से बातचीत का उन्हें काफी फायदा मिला। आयुष्मान खुराना स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा शुभ मंगल ज्यादा सावधान को अमेरिकी राष्ट्रपति से तारीफ मिलने के बाद आयुष्मान खुराना ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। आयुष्मान ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन देख काफी खुशी हुई। मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं और चाहता हूं कि ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप की LGBTQ समुदाय की ओर इशारा है और वो अपने देश में LGBTQ अधिकारों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। ट्रंप अहमदाबाद लैंड करेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में सिंगर कैलाश खेर गाना गाएंगे। कैलाश ने ट्रंप को नचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं अगड़ बबम बम लहरी पर उनको भी नचाऊं। पॉपुलर टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 के जज हिमेश रेशमिया शो के दौरान फूट फूट कर रो पड़े। शो के दौरान एक गाना सुनने के बाद वो अचानक से भावुक हो गए। आमतौर पर हिमेश रेशमिया को भावुक ना होने के लिए जाना जाता है।